हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बटर पेपर हम घर में कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने दो बटर पेपर पहले ही घर पर बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये बटर पेपर है जो घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। इनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो मैंने पार्ले जी बिस्किट केक बनाया था उस पर मैंने ये बटर पेपर यूज़ किया था। मुझे बोला गया है कि मैम आप बटर पेपर बना के बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बटर पेपर हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो बटर पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए A4 साइज़ के ये वाइट प्लेन पेपर चाहिए। इसका पूरा वो पैकेट आता है, आप उसमें से ले सकते हैं। अदरवाइज बच्चों की जो कॉपी होती है उसमें से आप ले सकते हैं। लाइनिंग वाली कॉपी मत लीजिएगा, या उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो या इंक हो वो वाली आप कॉपी मत यूज़ करिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल भी आपको जो कुकिंग ऑयल होता है वो लेना है, जिसमें स्मेल होती है वो वाला नहीं लेना है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें बहुत हार्ड स्मेल होती है, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन की मदद से भी इस पर ऑयल लगा सकते हैं। और नेक्स्ट हमें जो लेना है वो है एक साफ कपड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बटर पेपर कैसे बनाते हैं। ये देखिए, दोनों पेपर हमें साथ में लेने हैं और हम ब्रश की हेल्प से इसमें ऑयल लगाएंगे। अच्छे से ऑयल लगाना है हमें, कुछ इस तरह से। मैं आपको कॉटन की हेल्प से भी बता देती हूँ कि आप कॉटन की मदद से कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे पूरा निकाल लेना है ऑयल, फिर इसको ऐसे लगाना है। पूरा अच्छे से आप ऑयल लगाना है सब में। तो हम पूरे पेपर पर ऑयल लगा लेते हैं। ये देखिए, पूरे पेपर पर मैंने ऑयल लगा लिया है। आगे साइड भी लग चुका है एंड पीछे साइड भी हम लगा लिया है पूरा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बीच में भी हमने लगा लिया है। ये देखिए, ये बीच में भी लग गया है और आगे भी लग गया है। आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हम लगा चुके हैं ऑयल। अब हमें एक साफ कपड़ा लेना है, तो उसकी हेल्प से हमें कुछ इस तरह से इस ऑयल को साफ करना है। पूरे पेपर का ऑयल आपको निकाल देना है। पूरे पेपर में आप ऐसे ऐसे कपड़े की हेल्प से साफ करते जाइएगा। आगे से भी साफ करिएगा और पीछे से भी। आपको 2-3 मिनट तक इसको साफ करना है। इसका पूरा ऑयल निकल जाना चाहिए और बीच में भी हमें पूरा ऑयल निकाल लेना है। तो हम एक एक पेपर का कर लेते हैं। ये देखिए, इसको अलग किया एक पेपर को, ऐसे पूरा ऑयल निकाल देना है। तो दोनों पेपर को आप एक साफ रुमाल की हेल्प से ऐसे साफ कर दीजिएगा। ये देखिए, हमने पूरा ये रुमाल की मदद से पूरा साफ कर दिया है। आप टिश्यू की हेल्प से भी पूरा साफ कर सकते हैं। देखिए, पूरा साफ हो चुका है आगे पीछे से और बीच में से भी, ये आप देख सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम केक बनाना है तो बटर पेपर नहीं है। हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑयल ग्रीस करने के बाद भी हमारा केक उसमें चिपक जाता है टिन में। आप बटर पेपर का यूज़ करिए, इजीली आपका केक निकल जाएगा।
अब हमारी ये बटर पेपर तैयार हैं। अब हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हमें केक बनाना है हम इनको यूज कर सकते हैं। किसी भी शेप में आप इनको कट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए हमें एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये न्यूज़पेपर है, ये देखिए। पहले भी मैंने न्यूज़पेपर में ही रखा था तो इस पर भी बाकी जो ऑयल था वो इसमें आ चुका है। अभी हम जो न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे वो साफ न्यूज़पेपर होगा। उसको हमें कुछ इस तरह से खोलना है और उसमें एक बटर पेपर रखना है पहले, देन उसके बाद हमें दूसरा न्यूज़पेपर रखना है, उसके बाद और कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। बाकी जितना भी पेपर में ऑयल होगा वो न्यूज़पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें न्यूज़पेपर में रख देना है। आप जब भी केक बनाए तब इसको निकाल के उसके जिसमें भी आपने केक का बैटर डाला है उसके शेप का काट के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा बटर पेपर रेडी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेथड आपको कैसी लगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।